इसराइल पर हमास के हमले के बाद से ये जंग ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां इसकी जद में कई और देश भी जल रहे हैं। इसराइल हमेशा से ही जंग को जीत कर खत्म करने की बात करता रहा है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है इजरायली बलों की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। इजरायली सेना को हमास के लड़ाकों के साथ साथ उसके प्रतिरोधी गुटों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें नुकसान काफी हुआ है। इस जंग में यमन का हूती हमास के समर्थन में इसराइल और उसका समर्थन देने वाले देशों को टारगेट पर लिए हुए है। हूती लगातार लाल सागर में कहर बरपा रहा है। वो इसराइल अमेरिका ब्रिटेन के मालवाहक जहाजों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हूती ने लाल सागर में ऐसा तूफान मचाया है कि इंटरनेशनल शिपिंग रूट काफी हद तक प्रभावित हो गया है। हूती लगातार मालवाहक जहाजों और युद्ध पोतों पर रॉकेट, मिसाइल और घातक ड्रोन से हमले कर रहा है। हाल ही में हूतियों ने अमेरिका और ब्रिटिश आक्रमण के जवाब में यमन सशस्त्र बलों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में दो सैन्य अभियान चलाया, जिसमें पहले तेल टैंकर जहाज सो यूनियन को निशाना बनाया गया, जो एक ऐसी कंपनी का था जो इजरायली दुश्मन के साथ काम करती है, और दूसरे मिशन में हूती ने SW नॉर्थविंड जहाज को निशाना बनाया। ऐसा करके हूती लड़ाकों ने ये मैसेज साफ दिया है कि जो भी उनके द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ेगा उसकी सजा कठोर होगी। और इसी कड़ी में हूती ने अपने दुश्मनों को चेताने के लिए मिशन के पहले अभियान के जहाज सो यूनियन का फुटेज जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि जहाज पर हूतियों के भीषण हमले से वह कैसे तबाह हो गया और लाल सागर में समा गया। इस खूंखार वीडियो के जरिए हूतियों ने एक बात साफ कर दिया है कि वे किसी भी तरह से दुश्मन देश के जहाजों को नहीं बख्शेंगे। वहीं सो यूनियन के मालिक ग्रीक कंपनी डेल्टा टैंकर्स ने पुष्टि की कि घटना के बाद जहाज बह गया। और इसी कड़ी में यमनी सशस्त्र बलों ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने खुलेआम अमेरिका और ब्रिटेन को धमकाया। बयान में कहा गया, हमारे बलों ने ग्रीक जहाज सो यूनियन को निशाना बनाया, जिसकी मालिकाना कंपनी ने कब्जे वाले फिलिस्तीन बंदरगाहों में से एक में प्रवेश करके प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन किया। कंपनियों को उनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन न करने की चेतावनी दोहराई है, और वे पुष्टि करते हैं कि अगला चरण उल्लंघन करने वाली कंपनियों के जहाजों के लिए और साथ ही इसराइल, अमेरिका और ब्रिटिश दुश्मन से जुड़े जहाजों के लिए और भी गंभीर और विनाशकारी होगा। हूतियों ने कहा है कि ऐसा तब तक जारी रहेगा जब तक गाजा में इजरायली बलों की घेराबंदी नहीं रुक जाती। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे देशों के जहाजों के लिए भी चेतावनी जारी की है। यमन की हूती फोर्स ने बताया कि वे लाल सागर, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से गुजरने वाले सभी जहाजों को सलाह देते हैं कि वे संदेह के घेरे में आने से बचने के लिए डेटा में हेरफेर ना करें और अपनी पहचान को बिल्कुल ना छुपाएं। इसके साथ ही उन कंपनियों को धन्यवाद भी किया जो उनके नियमों का पालन कर रहे हैं। यमनी सशस्त्र बल उन कंपनियों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने प्रतिबंध के फैसले का पालन किया है और कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाहों पर जाने से परहेज किया है। वे आश्वासन देते हैं कि ये जहाज यमनी सशस्त्र बलों के परिचालन दायरे में सुरक्षित रूप से गुजर सकते हैं। बता दें कि यमनी बलों ने अपने देश के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा किए गए घातक हमलों के जवाब में अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों के खिलाफ कई ऑपरेशन किए हैं और इनके मालवाहक जहाजों पर भीषण हमला भी किया है। गाजा पर इजराइल के नरसंहार युद्ध की शुरुआत के बाद से यमनी बलों ने युद्ध प्रभावित गाजा वासियों के समर्थन में कई अभियान चलाए हैं, जिनमें कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में लक्ष्यों पर हमले करने के अलावा कब्जे वाले क्षेत्रों में बंदरगाहों की ओर से जाने वाले इजरायली जहाजों को भी निशाना बनाया गया है।